नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं विरजी मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता स्टेशन से आसाम राज्य के सिलघट टाउन तक चलने वाली काजीरंगा एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस ट्रेन की बेसिक जानकारी, कोच की संख्या और कोच पोजिशन के बारे में, इस ट्रेन के किराए के बारे में और इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। इस ट्रेन का इनॉग्रेशन 1 जनवरी 2019 में हुआ था। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता स्टेशन से आसाम राज्य के सिलघट टाउन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 13181। इस ट्रेन की रिटर्न जर्नी रहती है सिलघट टाउन से कोलकाता, जिसका नंबर है 13182। इस ट्रेन को काजीरंगा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन कोलकाता से सिलाघाट टाउन तक तकरीबन 1175 किलोमीटर अंतर 23 घंटे और 55 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 49 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 130 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को मेल या फिर नॉन सुपरफास्ट ट्रेन की कैटेगरी में डाला गया है। यह ट्रेन कोलकाता से सप्ताह में सिर्फ सोमवार को सिलघट टाउन के लिए डिपार्ट होती है। इस ट्रेन को कोलकाता से सिलघट टाउन तक ले जाने के लिए 2 लोकोमोटिव की जरूरत पड़ती है, जिनमें पहला कोलकाता से न्यू कोच बिहार तक हावड़ा लोको शेडकर WP7 लोकोमोटिव लगता है, जो कि इलेक्ट्रिक लाइन पर चलता है, और न्यू कोच बिहार से सिलघट टाउन तक सिलीगुड़ी लोको शेडकर WDP4, 4B या फिर 4D लोकोमोटिव लगता है, जो कि डीजल लाइन पे चलता है। इस ट्रेन को ईस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में LHB श्रेणी के 22 कोच लगते हैं, जिनमें सेकेंड AC का 1, थर्ड AC के 5, स्लीपर के 9, जनरल के 5, पेंट्री कार 1 और EOG के 2 कोच शामिल रहते हैं। इस ट्रेन की कोच पोजीशन अभी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, तो कृपया पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में, जिनमें कोलकाता से सिलाघाट टाउन के लिए स्लीपर का किराया रहता है ₹510, जिनमें रिजर्वेशन चार्ज शामिल है। AC थर्ड टायर का किराया रहता है ₹1390 और AC सेकेंड टायर का किराया रहता है ₹2025, जिनमें रिजर्वेशन चार्ज और GST शामिल है। इस ट्रेन में बच्चे और सीनियर सिटीजन को कंसेशन दिया जाता है। दोस्तों, वक्त के साथ कोच की संख्या, कोच पोजीशन, किराया और टाइम टेबल में बदलाव हो सकता है, तो कृपया अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। यह ट्रेन 2 राज्यों को जोड़ती है, जिनमें पश्चिम बंगाल और आसाम राज्य शामिल हैं। यह ट्रेन 17 स्टेशनों पर रुकती है और 205 इंटरमीडिएट स्टेशन को पार करती है। इस ट्रेन की जर्नी पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता स्टेशन से सुबह 9:05 पे शुरू होती है। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉपेज रहता है बर्धमान जंक्शन। बर्धमान जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 10:31 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 या फिर 2 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:33 पे रवाना हो जाती है बोलपुर शांति निकेतन स्टेशन के लिए। बोलपुर शांति निकेतन स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 11:23 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 11:25 पे रवाना हो जाती है रामपुरहाट जंक्शन के लिए। रामपुरहाट जंक्शन पर यह ट्रेन दोपहर को 12:29 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 या फिर 3 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 12:31 पे रवाना हो जाती है मालडा टाउन स्टेशन के लिए। मालडा टाउन स्टेशन पर यह ट्रेन दोपहर को 3 प्लेटफॉर्म नंबर 2 या फिर 4 पे पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 3:10 पे रवाना हो जाती है न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन के लिए। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 7:05 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 या फिर 1A पे पहुंचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 7:15 पे रवाना हो जाती है न्यू कोच बिहार स्टेशन के लिए। न्यू कोच बिहार स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 8:40 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 या फिर 5 पे पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 8:45 पे रवाना हो जाती है न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यू कोच बिहार स्टेशन पर अपनी इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है। पहले कोलकाता से न्यू कोच बिहार तक इस ट्रेन को हावड़ा लोको शेडकर WP7 लोकोमोटिव लेके आया था, जो कि इलेक्ट्रिक लाइन पे चलता था। अब न्यू कोच बिहार से सिलाघाट टाउन तक इस ट्रेन को सिलीगुड़ी लोको शेडकर WDP4, 4B या फिर 4D लोकोमोटिव लेके जाएगा, जो कि डीजल लाइन पे चलेगा। न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 9:30 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 9:32 पे रवाना हो जाती है फकीरा ग्राम जंक्शन के लिए। दोस्तों,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यू अलीपुरद्वार स्टेशन जो है पश्चिम बंगाल राज्य में इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है आसाम राज्य में ट्रैवल करेगी। आसाम राज्य में इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है फकीराग्राम जंक्शन। फकीराग्राम जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 10:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 10:37 पर रवाना हो जाती है न्यू बंगाईगांव जंक्शन के लिए। न्यू बंगाईगांव जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 12:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 या फिर 1A पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 12:40 पर रवाना हो जाती है कामाख्या जंक्शन के लिए। कामाख्या जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 4:10 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 4:12 पर रवाना हो जाती है गुवाहाटी स्टेशन के लिए। गुवाहाटी स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 4:30 पर पहुंचती है। 15 मिनट के होल्ड के बाद 4:45 पर रवाना हो जाती है जागी रोड स्टेशन के लिए। जागी रोड स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 5:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 5:47 पर रवाना हो जाती है चापरमुख जंक्शन के लिए। चापरमुख जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 6:45 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 6:47 पर रवाना हो जाती है नगाँव स्टेशन के लिए। नगाँव स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 7:37 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:39 पर रवाना हो जाती है चखलाबंधा स्टेशन के लिए। चखलाबंधा स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 8:24 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 8:26 पर रवाना हो जाती है इस ट्रेन की आखिरी मंजिल के लिए। इस ट्रेन का आखिरी मंजिल स्टेशन रहता है सिलगट टाउन। सिलगट टाउन स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 9:00 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंचती है और इस ट्रेन की जर्नी यहीं पे समाप्त होती है। यह ट्रेन कोलकाता से सिलगट टाउन तक तकरीबन 1175 किलोमीटर अंतर तय कर चुकी होती है। इस ट्रेन के बारे में बताऊं तो इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा दी जाती है और ऑनबोर्ड कैटरिंग की भी सुविधा दी जाती है। ई कैटरिंग की सुविधा इस ट्रेन में नहीं दी जाती। दोस्तों इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।